नहीं नहीं जाके नहीं दिखाएंगे। देखिए, कोई छोटी सरकारों का विरोध नहीं है। अभी जो हमने निर्णय लिया, मेरे समझ में शायद उनको इसकी जानकारी नहीं है, इतने अधिकार आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने, जो छोटी सरकारें, उनको नहीं दिया। हमने तो ये फैसला कर लिया कि जितने भी काम है उनका निर्णय सारा का सारा जो छोटी सरकारें हैं लेंगी, पंचायत स्वयं लिया। हमने कोई उसमें कटौती नहीं करी। 20 लाख तक के काम सरपंच करेगा, बिल्कुल 100% 20 लाख तक के काम सरपंच ही करेगा। उससे बड़े काम भी जो है वो भी हमारे जनप्रतिनिधि फैसला करेंगे। हमारा नगर निगम, हमारी नगर पालिका, वो फैसला करेंगी कि हमने कहाँ खर्च करना। चाहे वो 10 करोड़ तक का काम है, 10 करोड़ तक का फैसला हमारा हाउस करेगा। तो ये छूट अभी अभी माने मुख्यमंत्री जी के जनप्रतिनिधि है, वही सारा सारा फैसला करेंगे। इतने अधिकारी आज तक हैं। ई ट्रेडिंग का विरोध कर रहे हैं? नहीं, ई ट्रेडिंग नहीं, वो जो अपना ऑनलाइन जिस प्रकार से हमने उसके ठेके दिए हैं, मतलब टेंडर दिया है उसका, तो उस पर थोड़ा बहुत उनका विरोध है। मैं समझता हूँ कि वो शायद जानकारी के बहाव में सारा सारा है कि जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि सारा सरपंच करता है। कई बार सरपंच को भी मुश्किल पड़ती थी उसमें, क्योंकि सारा जब सरपंच कराता था, उसके बाद कई बार इस प्रकार से, हालांकि सरपंच की गलती भले ही कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि कागजी कार्रवाई में सरपंच उतना मजबूत नहीं होता बेचारा, उसको इतनी जानकारी भी नहीं होती है, तो कई बार इसी वजह से सरपंच को उसके लिए मुश्किल उठानी पड़ती थी। अब ई टेंडर होने से वजह से सरपंच के जुम्मे कोई वो नहीं हो गया, देख रेख सरपंच की होगी, काम जो होगा वो सरपंच की देख रेख भी होगा। सरपंच के लिए तरसेंगे? नहीं, देखिए कुछ लोग जो विरोधी हैं, मान लीजिए वो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा कि अभी आज चाहे वो कुछ भी करे, आप 6 महीने में देखोगे सारे के सारे सरपंच, 100% सरपंच जो है वो इसके पक्ष में आएंगे, कहेंगे ठीक किया सर। परिवार पहचान पत्र से बहुत बड़ा लाभ हो रहा है इससे, और इससे हमें एक जानकारी मिलेगी कि किस आदमी की आमदनी कितनी है। और ठीक है, उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, उन खामियों को हम दूर करने लग रहे हैं। हमने 30 तारीख तक का टाइम दिया और हमने नंबर भी जारी कर दिया, अगर किसी की कंप्लेंट है तो उसको ठीक करा सकता है। लेकिन अगर ये कहना, अब इससे हमें पता चला है परिवार की आमदनी कितनी है। अभी हमने एक टारगेट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भी कोई भी आदमी हरियाणा में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम हो, और अभी हमने 1 लाख पे काम शुरू कर दिया। हमने 4 बार कैंप लगा लिए, 32,000 लोग ऐसे हैं जिनको हमने लोन दे दिया। हमने कहा कि भाई आप हमारे से लोन लो, हम लोन देंगे, गारंटी हम देंगे, लोन बैंक देगा, गारंटी सरकार देगी, ब्याज सरकार देगी, आप कोई ना कोई बिजनेस करके अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, इस गरीबी से बाहर निकलो। तो एक इस प्रकार की योजनाएं जो लेके चल रहे हैं, और इसी प्रकार से जैसे अभी हम कौशल विकास में, हमने कहा जिनकी आमदनी 1 लाख से कम है उसको 50 नंबर देंगे, प्राथमिकता के आधार पर उसको नौकरी देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही है कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, मतलब जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उसके पास होनी चाहिए। देखिए अभी अधिकारियों ने कुछ निर्णय लिया है, और इस प्रकार की आशंका है कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा सर्दी होगी, जो मौसम विभाग की जानकारी है उस प्रकार की है, उसको देखते हैं विभाग ने इस प्रकार का निर्णय। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबार।